हैं कि भारत इससे वाकिफ है कि नेपाल अग्निवीर योजना को लेकर संतुष्ट नहीं है और वो कुछ बदलाव भी चाहता है। जैन साथियों, जो काम हमारा अग्निपथ योजना को लेकर हमारा चाटुकार मीडिया न कर सका, वो काम अब कहीं ना कहीं नेपाल ने कर दिया है और नेपाल ने वापस एक बार फिर उम्मीद की एक किरण जो है वो जगा दी है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अग्निपथ योजना को लेके जहां पूरे भारतवर्ष में युवाओं ने प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी व्यक्त करी, वहीं हमारे जो चाटुकार नेता थे सरकार में बैठे हुए हमारे डायरेक्टर जनरल, वो इसकी कमियां ना गिना के इसकी खासियत गिनाने में थे। लेकिन नेपाल ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ भर्ती योजना का वो विरोध करती है और उनके प्रधानमंत्री ने हमारे विदेश मंत्रालय से भी बात करी है और विदेश मंत्रालय के थ्रू भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। आप पूरी घटना का आप वीडियो देखना और उसके बाद में आप अपने कमेंट जरूर करना कि क्या आपको भी लग रहा है कि आने वाले समय में एक सही संकेत है, क्योंकि जहां आज मीडिया हमारा चाटुकारिता में लगा है, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे कारण रहे होंगे जिससे कि इस अग्निपथ योजना का विरोध अपने देश में नहीं नेपाल भी कर रहा है। अब आप लोग बोलेंगे नेपाल का हमारी सेना से क्या लेना देना, तो आपको बता दूं कि जो नेपाल के लोग हैं वो हमारी इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट हैं। कभी आपको गोरखा रेजिमेंट का भी आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आप लोगों को गोरखा रेजिमेंट का इतिहास, उनका गौरवमय इतिहास और प्लस उनके रेजिमेंटल सेंटर कहाँ कहाँ हैं और किस प्रकार से उनका भारतीय सेना के साथ में अदम्य योगदान, साहस, परिचय, उन्होंने अनेक बार अपनी वीरता का लोहा मनवाया है और भारत के साथ में जो बोलते हैं ना कि नेपाल का हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, यहाँ माता सीता से लेकर भगवान श्री राम जी का नाता है हमारा, इसलिए इंडिया और नेपाल बोलते हैं भाई भाई हैं और इसलिए हमारे सांस्कृतिक और वैवाहिक संबंध भी हैं। आप वीडियो देखें और उसके बाद अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। इंडियन आर्मी में नेपाली गोरखा सैनिकों की अग्निवीर स्कीम के जरिए भर्ती जारी रहेगी, भारत के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। भारतीय सेना में अग्निवीर स्कीम को लेकर नेपाल संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। ऐसे में भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया पर नेपाल ने पहले बातचीत करने के लिए कहा था। इसी वजह से भारतीय आर्मी की भर्ती प्रक्रिया के तहत बुटवल में होने जा रहे एक चयन राउंड को स्थगित कर दिया गया। इस मामले में नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने विदेश मंत्री नारायण खड़का और विदेशी मामलों पर अपने सलाहकार के साथ मीटिंग की। पीएम की मीटिंग के बाद नेपाल के विदेश मंत्री ने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात की और भर्ती को लेकर बातचीत की। राजधानी काठमांडू में विदेश मंत्री नारायण खड़का ने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात के दौरान अग्निवीर स्कीम के तहत गोरखा सैनिकों की भर्ती का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर नेपालियों को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और पेंशन भी नहीं दी जाएगी तो हमें इस बारे में पहले नेपाल के अन्य राजनीतिक दलों से चर्चा करना पड़ेगा। नेपाल की ओर से इस दौरान कहा गया है कि अग्निवीर भर्ती को लेकर सरकार 1 से 2 दिन में फैसला लेकर भारत को अपना पक्ष बता देगी। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे की 4 सितंबर की यात्रा के दौरान नेपाल की ओर से इस मुद्दे पर बातचीत की जा सकती है। सूत्र कहते हैं कि इस मामले में पीएम देउबा अपने ही देश के विदेश मंत्री खड़का से नाराज हैं। उनका कहना है कि भारत की ओर से नई तरह से नेपालियों की सेना में भर्ती को लेकर करीब 2 महीने पहले पत्र भेजा गया था, जिस पर विदेश मंत्री ने कोई बात ही नहीं की। पीएम देउबा का मानना है कि करीब 2 महीने पहले ये लेटर मिला तो इस मामले में अभी तक चर्चा और कुछ फैसला हो जाना चाहिए था। वहीं जब इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय से पक्ष मांगा गया तो भारत की तरफ से कहा गया है कि भारत नेपाली युवाओं को भारतीय सेना में काफी लंबे समय से भर्ती कर रहा है और आगे भी अग्निपथ योजना के तहत नेपाली युवाओं को सेना में भर्ती करते रहेंगे। सूत्र कहते हैं कि भारत इससे वाकिफ है कि नेपाल अग्निवीर योजना को लेकर संतुष्ट नहीं है और वो कुछ बदलाव भी चाहता है। साल 1947 से नेपाली गोरखाओं को भारतीय सेना में भर्ती किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह नेपाल से भारत और ब्रिटेन की ओर से किया गया एक त्रिपक्षीय समझौता है, जिसके तहत भारतीय और ब्रिटिश सेना में बीते 75 सालों से गोरखा सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना का ऐलान कर दिया गया, जिसका असर नेपाल के उन युवाओं पर पड़ता दिख रहा है जो भारतीय सेना के लिए तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।